अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आप लोगों को पॉलीथीन हाउस बनाना सिखाऊंगा कि वो कैसे बनता है, उसके एडवांटेजेस बताएंगे आपको और इसके बारे में सारी बातें होंगी। तो कैसे बनता है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर में अपनी जो भी फालतू चीज़ पड़ी है उससे कैसे बना सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ये टी ट्रॉली पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है, देखें अभी मैं निकालूंगा इसे, फिर मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये मैंने निकाल लिया, अब इसे ज़रा साफ वाफ कर लूँ। ये देखें ये मैंने धो दिए। आप चाहें तो ऐसे ही पिंजरे जो होते हैं, पिंजरे के आगे का ये हिस्सा रिमूव करके यहाँ पे भी पॉलीथीन आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास है ट्रॉली पड़ी हुई तो मैं उसे यूटिलाइज करूँगा। आज जो है हमने ये पॉलीथीन का, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये पॉलीथीन के बैग्स आते हैं शॉपर्स हैं, ये बहुत सारे हैं, ये आलू प्याज वाले देकर चले जाते हैं बहुत सारे। और ये कुछ हैं हमारे मार्ट के प्लास्टिक की रैपिंग्स हैं जिसके अंदर चीनी या में चावल वगैरह मिलते हैं, तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत मोटा है देख रहे हैं, तो ये हमारा अच्छा काम करेगा यानी कि देर तक चलेगा। और ये जो हैं ये कुछ अरसे के लिए होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट हो तो भी सही, और ग्रीन या ब्लू में हो तो भी सही। इसको मैं काट लूँगा क्योंकि ये नीचे से बंद होता है, तो ये नीचे वाली लाइन मैंने काट ली है, ये मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये मैंने कर लिया, तो ये जो है ये मैंने इन्हें काट के अब ये इतना बड़ा सारा हो गया। अब ऐसे ही इसको भी मैं काटूंगा। ना कैसे है वो ऐसे काटना है कि एक नीचे से जो होती है ये वाली चीज़ काटेंगे और एक तरफ से काट देंगे बस, तो आराम से हमारा एक बड़ी लेंथ वाला हो जाएगा। मैंने काट दिया और ये देखो ये इतना बड़ा सारा हमारे पास आ गया। तो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सीजर्स चाहिए, आपको पॉलीथीन चाहिए जो मैंने अभी बनाना सिखाया है, आपको टेप चाहिए होगी या केबल टाई यूज़ कर सकते हैं, सुई धागा, और ये रैप करने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये सारी चीज़ें जो आपको चाहिए। तो चलें जल्दी से बना लेते हैं। अब इसके चारों तरफ आपने पॉलीथीन लगाने हैं, पॉलीथीन इसी के हिसाब से बनाएंगे हम उसकी शीट्स। अब जितने विड्थ में इसे चाहिए ना आपको उतनी विड्थ ले लें और स्टेपल कर लें जहाँ पर आपको कम पड़ेगी। अब जैसे ये है ये यहाँ पर आ जाएगा और नीचे ये पूरा कवर हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नहीं करना बस, क्योंकि यहाँ से हम अपने प्लांट देखेंगे। ऊपर के लिए आप ऊपर डंडे लगाकर और फिर रैप कर सकते हैं। अभी मैं नीचे का बनाना सिखा रहा हूँ आपको, तो ये ऐसे आ जाएगा सही है। ये देखें यहाँ से मैंने टेप से बांधा और अब ये टेप के साथ नीचे मैं इसे सील करता बना रहा हूँ। ये एक मैंने यहाँ ऊपर भी लगा दिया, अब ऐसे ही यहाँ पर बंद करूँगा और नीचे ले आऊँगा। ये देखिए ये हो गया यहाँ से पूरा कवर। अब ऐसे ही चारों तरफ इसकी कवर करनी है। अब ये साइड कवर करूँगा मैं, उस तरफ का मैंने कंप्लीट कर दिया, अब ये वाला हिस्सा मैं यहाँ कर रहा हूँ सही है। ये लगा दिया है, अब यहाँ पर लगा दर करेंगे ताकि हमारा ये खुलने के लिए रहे। और नीचे एक आप कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं ताकि ये बंद भी हो जाए उसी तरीके से, और यहाँ से फिर हम खोल भी सकें सही है। इसके अंदर अभी हम प्लांट्स रख लेंगे अपने, इसके अंदर हम यूँ रखते हैं कि अंदर गर्मी बनी रहे और आपकी जो सीडलिंग्स है वो अच्छे से ग्रो हों। कटिंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये, कि कटिंग्स में इसके अंदर हमारे 100% रिजल्ट मिलते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।